अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है और हम लोग इस सब्जेक्ट के चार यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 5 के भी 5.1 टॉपिक और 5.3 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूनिट नंबर 5 का 5.2 सब टॉपिक है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। अब ये क्या है और क्यों है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स जो हैं ये हर जो कंट्री है या हर प्रोविंस है उसके अपने हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो है वो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स वो एक ख़ास अहमियत रखते हैं, उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में उनको पढ़ेंगे और उम्मीद करूँगी कि वो आप लोगों को समझ भी आए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरा गिवन ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रेजेंटेशंस भी मिल जाएंगी और रिलेटेड टॉपिक की असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगी। आपको टॉपिक अपना बताना है और आपको मेंशन करना है कि आप लोगों को किस लेवल पर चाहिए। अगर आपको बीएड पर चाहिए, एमएड पर चाहिए, एमफिल, पीएचडी, जिस बी लेवल के आपको नोट्स चाहिए होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। बगैर किसी देर की अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। लेक्चर को एंड तक ज़रूर सुनना है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान। National Professional Standards for Teachers, Government of Pakistan is committed to improve the quality of education which depends on the quality of teacher education. To enhance the quality of teachers, National Professional Standards for Teachers which are known as NPSTs were developed. कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस वक्त टीचर्स की एजुकेशन या एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए टीचर्स के लिए कुछ जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, टीचर्स के लिए जो टीचर होगा उसके लिए उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरना ज़रूरी है। अब जो स्कूल्स या जो लोग प्रोफेशनली ट्रेन्ड हैं उन लोगों को पता होगा कि जब आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आप लोगों का कोई की फॉर्म दिया जाता है जिसको इवेलुएट करता है वो पर्सन जो आप लोगों का गाइडर होता है, जो आप लोगों को सिखा रहा होता है, ये वो जो वहाँ पे ट्रेनर होता है वो आपकी उन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर आपको मार्क करता है। किस बेस पे? जिस वक्त आप पढ़ा रहे हैं उसने आपको नोट किया वहाँ पे, उस फॉर्म में नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का उसके पास एक फॉर्म है जो ऑलरेडी गिवन होगा, मैं कोशिश करूँगी मुझे मिल जाए तो मैं वो लगा दूँगी, तो उन पे आपकी बेसिस पे आपको मार्क किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कौन से। 2009 में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने यूएसएड और यूनेस्को की फाइनेंशियल सपोर्ट से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लानिंग पॉलिसी के विंग ने NPST यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स जो हैं वो दिए थे। कितने स्टैंडर्ड्स हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी नेशनल स्टैंडर्ड्स को। नंबर 1 है जी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, नंबर 2 है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नंबर 3 इज नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज और सोशल लाइफ स्किल्स, नंबर 4 है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, नंबर 5 है असेसमेंट, नंबर 6 है लर्निंग एनवायरनमेंट, नंबर 7 है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 8 ऑफ कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, नंबर 9 इज कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट, नंबर 10 इज टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। वन इज सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, टीचर नो एंड अंडरस्टैंड। अब टीचर को क्या पता होना चाहिए और उसको क्या समझना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रही है उस सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज उसके पास होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने मैथ्स में जो टॉपिक एडिशन पढ़ाना है तो उसको किन किन तरीकों से पढ़ाया जा सकता है, आपको वो हर चीज़ आनी चाहिए। नंबर 2 इज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरीज हिस्ट्रीज ऑफ द सब्जेक्ट, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको उसके कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए, उससे रिलेटेड उसको थ्योरीज भी पता हो, उसकी हिस्ट्री भी पता हो सब्जेक्ट की।
Then the new emerging concepts, results of researchers and latest trends at national and international level. The relationship of subject to other discipline and its usability in practical life. जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं या जो उसका दूसरे डिसिप्लिन यानी उसके दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या लिंक है और प्रैक्टिकल लाइफ में वो किस तरह से उस स्टूडेंट के लिए यूजेबल होगा. नंबर टू इज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हाउ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज, एक्वायर स्किल्स एंड डेवलप हैबिट्स ऑफ माइंड. एक स्टूडेंट है वो किस तरह से उस नॉलेज को के जो बेसिक्स हैं वो अपने माइंड में बनाएगा, उसको वो किस तरह से सीखेगा. आप दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स. टीचर को पता होना चाहिए कि हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट है. स्टाइलिंग ऑफ लर्निंग डाइवर्स होती है. एक क्लास है उसमें हर तरह का स्टूडेंट वहाँ मौजूद है, हर एक का लेवल ऑफ माइंड एक जैसा नहीं है. उन कुछ जो हैं वो एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ जो हैं वो लो यानी आप समझ लें कि बॉटम टाइप वाले स्टूडेंट्स होते हैं. तो टीचर को उन सबको लेके चलना है. देन टीचर ट्रीट्स ऑल स्टूडेंट्स फेयरली. उसको हर स्टूडेंट को फेयरली ट्रीट करना है. स्टैंडर्ड थ्री विच इज़ नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज और सोशल लाइफ स्किल्स. अब टीचर को इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्या आना चाहिए, इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उनके बिलीव्स यानी अकीदा, प्रेयर्स, नमाज और एथिक्स. अब उन चीज़ों को जो है जो चीज़ें हैं उनको अदा करने के तरीके क्या हैं, किस सूरत में देखना है, इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना. कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग आपने इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाना है. द वैल्यू विच आर ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड आर बीइंग प्रोमोटेड. वो वैल्यूज़ जो हैं जो ग्लोबली आप प्रमोट कर सकते हैं या जो एक्सेप्टेबल हैं उनको आपने प्रमोट करना है, उनको सिखाना है बच्चों को ये चीज़. अपने सब्जेक्ट अपने लेसन के अंदर एक पोर्शन आपका ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखाएंगे या उन्हें बताएंगे. ओ क्या है कि एजुकेशन हम लोग कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है. तो ओवरऑल ऑफ डेवलपमेंट में क्या है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. देन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक वैल्यूज एंड टेक्स्ट बुक्स. और उसके बाद क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट. इस्लामिक वैल्यूज जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं उनको आपने बताना है और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें वो आराम से हर चीज़ को सीख सके. स्टैंडर्ड नंबर फोर विच इज इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज. टीचर नोज एंड अंडरस्टैंड द एम, ग्लोब एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज वेल एज करिकुलम फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट. टीचर को पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रही है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का करिकुलम में क्या रोल है, उसके एम्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव, गोल्स और एम में डिफरेंसेस क्या है. उसके अलावा हाउ टू प्लान इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस एंड प्रायर नॉलेज. स्टूडेंट्स का किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो उनका पहला नॉलेज है उसको बेस बना के आपने इस तरह से नॉलेज को, इस तरह से उस लेक्चर को देना है, उस तरह से उन बच्चों को पढ़ाना है कि उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके जाए. मेथड ऑफ टीचिंग आपका क्या होगा, वो बड़ी जनरल सा होगा और उस स्पेशल के सब्जेक्ट के जो मेथड है स्पेसिफिक उनको आपने उन एरियाज ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है. लाइक साइंस है तो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूर है, आपने एक्सपेरिमेंटेशन का काम ज़रूर बच्चों से करवाना है ताकि इनको हम लोग कहते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़. जिस वक्त स्टूडेंट कोई भी काम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के साथ करता है तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होता है, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख सकता है. और स्टैंडर्ड फाइव विच इज़ असेसमेंट एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन सेटिंग स्पेशली फॉर टीचर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. अब स्टूडेंट्स की लर्निंग को असेस करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हैं. इनको इंशाल्लाह हम असेसमेंट के जो सब्जेक्ट हमारा आएगा उसमें हम क्लियरली डिस्कस करेंगे. उसके बाद रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग. जो स्टूडेंट का रिजल्ट आपके पास आया है आपने उसकी बेसिस पे देखना है कि कहाँ पे आपको अपना टीचिंग मेथड ठीक करना है, कहाँ पे आपकी टीचिंग मेथड बिल्कुल ठीक जा रहा है, कहाँ पे आपको अपना टीचिंग मेथड थोड़ा चेंज करना चाहिए.
them the believe their student deficiencies are opportunities for learning. जो स्टूडेंट्स में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, अगर वो किसी चीज़ को देर से सीख रहा है, तो आप उसको लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगी. बिकॉज जिस वक्त हम लोग स्टूडेंट्स को एज अ स्टूडेंट ट्रीट करते हैं, तो स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो ज़्यादा इन्हेंस होती है, वो ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को सीख सकते हैं. देन फेयर असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग टू स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज. अब जो असेसमेंट आपने की है, उसका रिजल्ट आपने स्टूडेंट्स को भी दिखाना है और उनकी जो फैमिली है उसको भी बताना है. लेकिन इस सब में ये चीज़ ज़रूर नोट करें कि आपने स्टूडेंट्स को ऐसे वर्ड्स नहीं कहने जिससे उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डिनाई हो सके. आपने बच्चे को एक अच्छे तरीके से जो है वो उसको इस तरह से उसका रिजल्ट उसको बताना है कि उसके अंदर नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा करने की जो है ना वो उसके अंदर से वो चीज़ हो कि हाँ जी मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करना है. यूनिट 6 विच इज़ लर्निंग एनवायरनमेंट. अब लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है? लर्निंग एनवायरनमेंट आपका क्लासरूम है, आपकी लैब हो सकती है. वो एरिया जहाँ पे आप स्टूडेंट को सिखाते हैं वो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है. अब टीचर्स के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट को समझना क्यों ज़रूरी है? क्लासरूम में जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं, वो किस तरह की लर्निंग है? उसके अलावा क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो लर्निंग और को बड़ा प्रमोट करता है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे बड़ा इफ़ेक्टिव होता है. क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है और वो लर्निंग से कितने कमिटेड हैं, यानी उनका जो सब्जेक्ट है, जो एक्टिविटी उनकी चल रही है, वो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग है या नहीं है. देन रोल ऑफ स्टूडेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. किस तरह से कि जिस वक्त आप ग्रुप वर्क करवा रहे हैं तो आपके जो ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं, कीप इन माइंड कि वो चीज़ें जो हैं वो हर स्टूडेंट सीख रहा है. इस सब में जो आप ग्रुप वर्क कहते हैं या जिसको हम लोग पीयर लर्निंग कहते हैं, उसमें दोनों स्टूडेंट्स का या पूरे ग्रुप के स्टूडेंट्स का एक दूसरे के साथ लर्निंग बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड नंबर 7 विच इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड यूज़ ऑफ ICT. अब ICT का आपकी कम्युनिकेशन और उसका यूज़ कितना जो है वो हेल्पफुल है टीचिंग में. सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन टीचिंग और लर्निंग का हिस्सा है. अब वर्बल क्या है? जो हम बोल रहे हैं. नॉन वर्बल वो है जो हम लोग इशारे कर रहे होते हैं, जो हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं. और रिटन कम्युनिकेशन वो है जो हम लोग लिख के बता रहे होते हैं. ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इन क्लासरूम किसी भी लेक्चर में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्यूटर को एज एन इंस्ट्रक्शनल रिसर्च और इवेल्यूएशन टूल किस तरह से यूज़ करना है ये टीचर को पता होना चाहिए. आजकल के टाइम पे डाइवर्स टेक्नोलॉजिकल टूल्स जिनको आर्ट वर्क, वीडियोज़ हैं, कैमराज हैं, फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनका क्लासरूम में यूज़ किस तरह है ये भी आपको पता होना चाहिए एज अ टीचर. और ये किस तरह इफेक्टिव है आपके सब्जेक्ट में उसका यूज़ भी आपको आना चाहिए. नंबर 8 स्टैंडर्ड विच इज़ कोलेबोरेशन एंड पार्टनरशिप. इम्पॉर्टेंट ऑफ इफेक्टिव स्कूल होम इंटरेक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू हाई क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने क्लास में स्टूडेंट को जो भी काम करवाया, स्पेशली ये काम कहाँ पर मौजूद होता है? आपका स्टूडेंट डायरी पर. आपने क्लास में जो भी काम करवाया, स्टूडेंट ने उसको डायरी पर नोट किया. इन द केस वहाँ पे वो डायरी, जो होमवर्क डायरी है, उसने वहाँ पे घर जाके जो काम किया, नेक्स्ट डे आपने पेरेंट्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके साथ आपका लिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस वजह से कि उनकी बिहाफ पर आप स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से बच्चा सीख सकता है. इस सब में टीचर के अलावा रोल ऑफ पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है या रोल ऑफ गार्डियन बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा वो फैमिली मेम्बर्स, जो बच्चे के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका टीचर के साथ इंटरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ख़ासतौर पर जो PTMs होती हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स नहीं आते. ये सब कुछ किसी और जगह पे नहीं, आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड नंबर 9 विच इज कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट. इसमें क्या है? प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट
टीचर से डिमांड किया जाता है कि टीचर को एज अ टीचर बिहेव करना चाहिए, उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर स्टूडेंट का ऐसा हो कि वो वाकई प्रोफेशनल टीचर लगे। उसके अलावा एजुकेशनल रिसर्च में जो है वो कंटिन्यूस लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेंटेन अ पर्सनल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। अ पोर्टफोलियो क्या है? आपने दिन भर या आपके लेक्चर्स का जितना भी रिकॉर्ड है ये टीचर्स के लिए, उस सब को एक फाइल में लगाया जाता है, उसमें आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी होगी, वो आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कहलाया जाएगा। लास्ट स्टैंडर्ड विच इज़ स्टैंडर्ड नंबर 10 एंड इट इज़ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज। अब हम लोगों ने इसको लास्ट में क्यों रखा, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली हम लोगों की जो पाकिस्तान में नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो उर्दू को ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, तो इसलिए हम लोगों ने इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल लास्ट में रखा है। स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान जो है ये सेकेंड नंबर पर आता है। उसके अलावा स्ट्रेटजीज टू इन्हेंस लर्निंग इन इंग्लिश एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है कि आपने जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उसके लिए ऐसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि बच्चा इंग्लिश सीखे और इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीख सके। देन आपने आइडेंटिफाई करना है और एनालाइज करना है लर्निंग डिफिकल्टीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब बहुत से स्टूडेंट्स उर्दू बहुत प्रोफिशिएंटली पढ़ लेते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। आप स्टैंडर्ड्स को जब देखोगे तो स्टैंडर्ड्स में भी यही लिखा हुआ है कि टीचिंग एज सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। सब में बहुत सी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो स्टूडेंट्स को आ रही होती हैं लर्निंग में, तो आपने अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है कि स्टूडेंट जो है वो ईजीली कुछ ना कुछ वर्ड्स इंग्लिश के अपने रेगुलर रूटीन में सीख लें। उसके अलावा सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को आपने इस तरह से यूज़ करना है, उर्दू के अलावा उर्दू के साथ सपोर्टिवली आपने उसको इस तरह से यूज़ करना है कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव हो जाए। बात करने के लिए जितना टाइम लें वो कम है। उम्मीद है कि ये बेसिक से कुछ मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे बहुत ही स्टडी के बाद, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बेसिकली मैं आज के इस लेक्चर के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेरे शुरू से फेवरेट रहे हैं, और आप लोगों को भी लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। इंशाल्लाह जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके साथ ही फिर आपका ये जो सब्जेक्ट है वो कम्प्लीट हो जाएगा, टीचर्स एजुकेशन इन पाकिस्तान। देन हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज हैं तो आप गिवन मेल और मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपकी वो सारी क्यूरीज कंप्लीट की जाएंगी। आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।